जय श्री राधा माधव, सद्गुरु देव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से आज सेठ जी कह रहे हैं, जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे, वे सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में यह बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो, अप, जल, पानी, नीर, वाटर आदि, किसी भी नाम से पुकारे उसे जल ही मिलता है। भगवान के सभी नाम परम कल्याण कारक हैं। साधक को गुरु से जिस नाम रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की अधिकता हो, तथा जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप कीर्तन करना चाहिए। हरे राम मंत्र का निराकार परक अर्थ इस प्रकार है। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त है, या योगी गण जिसमें रमते हैं। कृष्ण में कृष का अर्थ है सत, और अण का अर्थ है आनंद। जिस आनंद का अभी अभाव नहीं होता, जो आनंद नित्य है, अविनाशी है, वही कृष्ण है। हरि का अर्थ है जो सब पापों को हर लेता है, जिसके उच्चारण से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही हरि है। हरि नाम लेते ही सब पाप मिट जाते हैं। जप करते समय इन अर्थों का विशेष ध्यान रहना चाहिए। यह ओमकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परब्रह्म है। इस ओमकार रूप अक्षर को जानकर मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है उसे वही मिल सकती है। जो फल योगियों को मिलता है वही जप करने वाले को भी मिलता है। जय श्री राधा माधव।